हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब्स, काइंड ऑफ एडवर्ब्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बॉल्ड रियली फास्ट। जो बॉलर है वो हमारा सब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान जो है वो फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बोल्ड वर्ब है। अब बचे हैं हमारे सेंटेंस में वर्ड फास्ट और रियली फास्ट। यहाँ पे ये फास्ट वर्ड है, यहाँ पे ये फास्ट वर्ड है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा फास्ट एडजेक्टिव का काम करता है और कौन सा फास्ट एडवर्ब का काम करता है। बेसिकली देखें तो ये बॉलर एक नाउन है और एक नाउन को क्वालिफाई एक एडजेक्टिव करता है, इसलिए ये बॉलर, ये फास्ट जो यहाँ पर है, ये बॉलर नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। उसके बाद उन्होंने बॉल फेंकी, गेंद दी, कि फास्ट कैसे गेंद फेंकी, बहुत फास्ट। तो एक वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब करता है। यहाँ पर ये बोल्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर ये बॉलर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव बनता है, और एक वर्ब को क्वालिफाई करता है तो एडवर्ब बनता है। कैसा एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। कितनी फास्ट, बहुत फास्ट। एक एडवर्ब को फिर से जो क्वालिफाई करता है वो सेकंड एडवर्ब होता है, और ये रियली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड विद ए हार्ड बैट। इस सेंटेंस में हार्ड दो बार है, एक बार ये एडजेक्टिव है और एक बार ये एडवर्ब है। तो देख लेते हैं, दे यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हिट यहाँ पर वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। उन्होंने उसको मारा, कैसे मारा, जोर से मारा। तो यहाँ पर जो हिट को क्वालिफाई कर रहा है वो ये वाला हार्ड कर रहा है, और अगर ये वर्ब है, एक वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब कितना हार्ड, आराम से, जोर से, बहुत हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड मीन्स बहुत हार्ड मारा। तो एक एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, फिर से एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। विद क्या है, प्रीपोजिशन है, और बैट क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बैट देखें तो नाउन है, और एक नाउन के बारे में कौन बताता है, एक एडजेक्टिव बताता है, एक नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। तो हार्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ये बैट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई ग्रैंड फादर रीड्स ए वीकली मैगजीन। माई ग्रैंड फादर रीड्स ए मैगजीन वीकली। दोनों सेंटेंसेस सेम हैं, बस ये वर्ड्स आगे पीछे कर दिए हैं, और इस इन्हीं वर्ड के आगे पीछे करने से इनका मीनिंग चेंज हो गया है। फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे दादाजी हैं जो वो एक वीकली मैगजीन पढ़ते हैं। वीकली मैगजीन में वीक में एक बार आने वाली मैगजीन है कोई, उसे पढ़ते हैं। सेकंड, माय ग्रैंडफादर रीड्स ए मैगजीन वीकली, कि कोई मैगजीन है, हो सकता है वो डेली आती है, या हो सकता है वो मतलब वीक में दो बार आती है, चार बार आती है, लेकिन मेरे दादाजी क्या करते हैं, वीक में एक बार उसको पढ़ते हैं। मान लीजिए संडे को वो फ्री होते हैं तो एक दिन में बैठ के उन सभी को पढ़ लेते हैं। एक में क्या है, वीकली मैगज़ीन है, और एक में क्या करते हैं, वो मैगज़ीन को वीकली पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो वीकली मैगज़ीन है या डेली वाली मैगज़ीन है, पर वो पढ़ते वीकली हैं जिस दिन वो फ्री होते हैं, वीक में एक दिन, ठीक है। ग्रैंडफादर हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, और मैगज़ीन ऑब्जेक्ट है। ग्रैंडफादर सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, और मैगजीन ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये मैगजीन को वीकली क्वालिफाई कर रहा है, मैगजीन के बारे में बता रहा है कि मैगजीन कैसी है। और जब भी एक नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव। तो वीकली यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। सेकेंड में देखिए कि मेरे दादाजी मैगज़ीन पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, ये उसके बारे में बता रहा है। ये रीड्स को क्वालिफाई कर रहा है कि मैगज़ीन को कब पढ़ा जाता है, मैगज़ीन को वीकली पढ़ा जाता है, मैगज़ीन को मंथली पढ़ा जाता है, मैगज़ीन को डेली पढ़ा जाता है, ये उसको बता रहा है। और जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब। एक ही सेंटेंस है, सेम मीनिंग अलग अलग है, इस सेंटेंस में जो वर्ड सेम है, ये वीकली वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, और यही वीकली वर्ड यहाँ पर एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, वर्कड क्या है, वर्ब। मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने कैसे काम किया, बहुत हार्ड काम किया।
वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? हार्ड कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो हार्ड क्या हो गया यहाँ पर? एडवर्ब। अब कितना हार्ड, बहुत हार्ड काम किया उन्होंने। एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? सेकंड एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ओन हमारा प्रीपोजिशन है, जो प्रोजेक्ट है वो ओन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दिस क्या है? दिस ये प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली नाउन है, और एक नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? दिस कर रहा है। तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप का एडजेक्टिव है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे बन रहे हैं, तो इससे पिछली वीडियो में हमने इन सबको अच्छे से डिस्कस किया है। आप वहाँ से हेल्प लेकर फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट कम्प्लीट दिस वर्क बाय संडे। यू सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, वैसे यहाँ पर ये काम हेल्पिंग वर्ब का कर रहा है। कम्प्लीट मेन वर्ब है, वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। कम्प्लीट व्हाट? कम्प्लीट वर्क। वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये काम का है बेसिकली नाउन है, काम ऑब्जेक्ट का कर रहा है। बाय प्रीपोजिशन है, और संडे क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वैसे संडे नाउन है, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस में वर्ड बचा दिस, तो दिस क्या है? ये नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। तो दिस ऑब्वियसली एडजेक्टिव है। किस टाइप का? डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप का, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है इस काम के। सेकंड, इंडियन सोल्जर्स फोट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमीज। जो हमारा सब्जेक्ट है वो सोल्जर्स है, फोट है वर्ब, ठीक है, अगेंस्ट है प्रीपोजिशन, और एनिमीज जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इंडियंस क्या है? सोल्जर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। किस टाइप का एडजेक्टिव है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं, हमने पढ़ा था प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो सोल्जर्स को क्वालिफाई कर रहा है इंडियन, इंडियन है यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद है वो लड़े, कैसे लड़े? बहादुरी से। तो फोर्ट वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ब्रेवली। तो ब्रेवली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब। कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर। कितनी बहादुरी से? बहुत बहादुरी से। ब्रेवली को एक एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरा एडवर्ब, और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो ब्रेवली को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, और ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो फोर्ट को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, अजय सोल्ड द क्वेश्चंस वेरी इजीली विदाउट एनी हेल्प। जो हमारा सब्जेक्ट है वो अजय है, सोल्ड क्या है? वर्ब है। अजय सोल्ड व्हाट? अजय सोल्ड क्वेश्चंस। तो वर्ब से व्हाट के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं। विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन। और हेल्प क्या है? वैसे हेल्प एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पर हेल्प प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अजय ने क्वेश्चन सोल्व किए। कैसे सोल्व किए? किस मैनर में सोल्व किए? बहुत इजीली सोल्व किए। तो जो यहाँ पर इजीली है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। जो सोल्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, इजीली। कितनी इजीली? बहुत इजीली। तो इजीली को क्वालिफाई, एक एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? दूसरा एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ मैनर इजीली है, जो सोल्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री वेरी है, जो इजीली को क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद है यहाँ पर एनी वर्ड। एनी क्या कर रहा है? हेल्प को क्वालिफाई कर रहा है, कि उसने किसी की मदद नहीं ली। हेल्प के बारे में बता रहा है कि कैसी मदद? किसी की मदद नहीं ली। एक नाउन है ये, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, और एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला दूसरा एडवर्ब। मुकेश टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली। सब्जेक्ट मुकेश, टॉक्स वर्ब, लाउडली एरोगेंटली और वेरी। एंड हमें पता है कंजंक्शन है, जो सेम रैंक की चीज़ों को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। मुकेश बातें करता है, कैसे बात करता है? बहुत तेज बात करता है, तेज आवाज़ में, और एरोगेंटली मतलब गुस्से में बात करता है। जो लाउडली और एरोगेंटली हैं वो क्या कर रहे हैं? वो टॉक्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, कि उसकी बातें, वो बातें करने का उसका तरीका कैसा है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एरोगेंटली भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये वेरी क्या कर रहा है? लाउडली को क्वालिफाई कर रहा है, कि कितना तेज, बहुत तेज बोलता है या हद से ही ज़्यादा तेज बोलता है। तो वेरी क्या कर रहा है? लाउडली को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर को क्वालिफाई कौन कर रहा है यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट देखिए, अजय ऑफन्स
कम हेयर विद दैट बॉय। अजय क्या है? सब्जेक्ट है। कम्स क्या है? वर्ब है। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। और बॉय क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बचे हमारे पास तीन वर्ड। ये दैट क्या कर रहा है? बॉय नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। किस टाइप का? डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप का एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद ओफन क्या कर रहा है? ओफन कम्स के बारे में बता रहा है कि वो यहाँ आता तो है लेकिन कभी कभी। कब आता है? कभी कभी। तो ये ओफन क्या कर रहा है? ओफन क्या कर रहा है कि वो अक्सर यहाँ आता है, ठीक है। तो कम्स को क्वालिफाई कर रहा है। अगर कम्स एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या है? एडवर्ब, ठीक है। और कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि ये काम जो है कितने टाइम में हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। उसके बाद है हेयर। ये क्या कर रहा है? हेयर कम्स को क्वालिफाई कर रहा है कि वो आता है कहाँ? यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम्स वर्ब है, ये भी कम्स वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी कम्स वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जो दैट है वो इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले दोनों एडवर्ब, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखिए, समबडी स्टोल हिज कार यस्टरडे। समबडी क्या है? प्रोनाउन है। काम यहाँ पर सब्जेक्ट का कर रहा है। सोल वर्ब है, कार ऑब्जेक्ट है। दो वर्ड बचे, एक हिज और एक यस्टरडे। हिज क्या कर रहा है? कार को बता रहा है, कार के बारे में बता रहा है, कार पर पजेशन बना रहा है। ये एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कौन करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। ये किस टाइप का एडजेक्टिव है? ये पजेसिव टाइप का एडजेक्टिव है। इस पर पजेशन भी बना रहा है और इसके बारे में भी बता रहा है। उसके बाद उसकी कार चोरी हुई कब? कल। यस्टरडे क्या कर रहा है? स्टोल हुई कार के बारे में बता रहा है। स्टोल कब हुई उसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये वर्ब है और एक वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू।